महिलाओं को उनके कामों के लिए पुरस्कृत करने के उद्देश्य से बीते 10 वर्षों से रिचार्ज यूनिट हेल्थ केयर क्लिनिक की ओर से वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते इस वर्ष भी बड़े ही उत्साह के साथ इसका आगाज होगा, ऐसी जानकारी डॉक्टर ऋचा जैन ने दी। वुमेन्स अचीवर अवार्ड का आयोजन 10 साल से डॉक्टर ऋचा यूनिक क्लिनिक जेसीआई नागपुर और एनबीसी न्यूज चैनल की ओर से किया जा रहा है। वार्षिक पुरस्कार उन महिलाओं को पहचानने के लिए विकसित किए जाते हैं जिन्होंने अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में सेवा करने के अंतिम उद्देश्य के साथ दृष्टि, रचनात्मकता, उद्यमशीलता, अभियान, नेतृत्व, मौलिकता और दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। डॉक्टर ऋचा के यूनिक क्लिनिक ने भारत के प्रसिद्ध नेताओं की उपस्थिति में 100 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया है। पूरे विदर्भ से 75 महिला मंडल इस पहल में शामिल हुए हैं। पुरस्कारों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर ऋचा जैन ने अधिक जानकारी साझा की। हर महिला को एक इंतजार रहता है कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम अपना दिन सेलिब्रेट करेंगे। अपना दिन होता है अपना वुमेन्स डे, जिस दिन हम ये मानते हैं कि हम यदि वुमेन्स हैं तो हमारी पहचान अलग है इस समाज के अंदर, यदि हम हर क्षेत्र में अपना अस्तित्व रखते हैं। इस सोच के साथ ही लगभग 2012 में एक फर्स्ट वुमेन्स अचीवर अवार्ड डॉक्टर ऋचा यूनिक क्लिनिक की तरफ से मैंने, डॉक्टर ऋचा जैन ने, JCI के साथ NBCN न्यूज चैनल के साथ स्टार्ट किया था। और गत 2 साल पहले भी ये अवार्ड आगाज हुआ था पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था ड्यू टू द रीज़न कि कोविड के वजह से हम सब ने दुनिया का एक दूसरा स्वरूप देख लिया था। तो अब वह फिर से आप सबके बीच में वुमेन्स अचीवर अवार्ड पर नए तरह से, नए चेहरे के साथ, आइकॉन ऑफ विदर्भ अब फिर आगाज़ हो रहा है कि आप सबको नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है। अब वह समय आ गया है कि फिर से हम सब महिला समिति, जितने भी लोग आज मुझे इस प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, आप यदि किसी महिला मंडल को बिलोंग करते हैं, महिला समिति को बिलोंग करते हैं और यदि कोई बहुत अच्छी आपकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है तो एक स्पेशल अवार्ड रहेगा जिसको बोलते हैं कम्युनिटी अवार्ड। आप अपनी फाइल, आपको गूगल लिंक मिल जाएगी BCN के मार्फत से हम सब से, आप वो गूगल लिंक पर क्लिक करके अपना नॉमिनेशन हम तक भेज सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो आप डॉक्टर ऋचा जैन भी गूगल पर सर्च करते हैं तो एवरीथिंग यू विल बी गेट फ्रॉम देयर ओनली। एंड सेकेंड थिंग, इसके साथ फिर बहुत सारी जो इंडिविजुअल लेडीज़ अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करती हैं, वह हमेशा ये चाहती हैं कि मेरी पहचान समाज से अलग हो, मैं काम तो कर रही हूँ, तो उन सबको इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के लिए भी आइकॉन ऑफ विदर्भा दिया जा रहा है, जिसमें आपको नॉमिनेशन भेजना है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी है सोशल वर्क। आप बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं और आप ये मानते हैं कि आपका काम समाज से अलग है तो आप सोशल वर्क कैटेगरी में अपना नॉमिनेशन भेजें। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस में आपने हेल्थ में काम किया, कोविड ने बहुत सारे लोगों को हेल्थ में काम करना सिखाया है, पर आपका काम यदि समाज से अलग है, आपने किसी की वेलफेयर के लिए काम किया है तो डेफिनेटली आप हेल्थ वर्कर हो जाते हैं, तो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस में आप अपनी फाइल भेज सकते हैं। प्रोफेशनल कैटेगरी में यदि आप CA हैं, आप एक प्रिंसिपल हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक डॉक्टर हैं और आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर के प्रोफेशन रहते हुए या CA के प्रोफेशन रहते हुए, एडवोकेट के प्रोफेशन रहते हुए भी आप समाज के भलाई के लिए कार्य करें तो आप अपना प्रोफेशनल कैटेगरी में अवार्ड भेज सकते हैं। हर लेडीज़ की एक चाह होती है कि मैं अपने पैर पर खड़े हूँ और हर लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में माना जाता है एंटरप्रेन्योर। ऐसे इंटरप्रेनर जो अपने आप को समझते हैं कि मैं आज ये ऊंचाई पा सकती हूँ और इंटरप्रेनर लेवल पे मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, मैंने अपना बिजनेस एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया, मैंने महाराष्ट्र में लेके गई, मैं इंडिया में लेके गई, मैं इंटरनेशनल लेके गई और टर्नओवर आपने बढ़ाते चले गए, इस तरह की यदि आप अपने आप की सोच रखते, जैसे एक एग्जाम्पल हमारे बीच में नायका का आता है जिन्होंने एक बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, आज उनका टर्नओवर करोड़ में है। तो यदि आप भी ऐसी पहचान अपनी रखते हैं तो ज़रूर आप अपना फॉर्म हमारे तक भेजें। आर्ट एंड कल्चर, हर व्यक्ति में एक छुपी प्रतिभा होती है और आपकी प्रतिभा को ही प्रतिभा देने के लिए आर्ट एंड कल्चर का एक नॉमिनेशन होता है, जिसमें आपका जो भी आर्ट है, आप यदि मानते हैं कि मैंने किसी भी तरह के आर्ट में अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसमें पोइट्री भी आती है, उसमें राइटिंग भी आती है, उसमें आपकी बुक्स प्रिंट हुई हैं, तो वो सारी चीज़ आती है, तो आप अपने आप को ज़रूर इस कैटेगरी में नॉमिनेट कर सकते हैं। महिला वह है जिन्होंने दूसरों की जान बचाई है, तो एक ऐसी महिला जिन्होंने ब्रेवरी में अपना काम किया है, जिन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है, जिन्होंने किसी की जान बचाई है, तो यदि ऐसा कोई कार्य आपने किया हो जिससे दूसरों की जान प्रोटेक्ट हुई है तो ब्रेवरी अवार्ड के लिए आप नॉमिनेट कर सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी हमारी होती है लाइफ टाइम सक्सेस,
तो ऐसी महिला जिन्होंने जीवन अपना निकाल दिया लाइफ टाइम सक्सेस के लिए, तो वैसी लेडीज़ भी हमारे बीच में यदि हैं, आप उनको जानते हैं तो उन तक हमारा मैसेज पहुंचाएं कि वो ज़रूर अपने आप को, यदि वो नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं उनकी एज के वजह से, तो उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स या आप उनके फ्रेंड हैं तो आप भी उनको नॉमिनेट ज़रूर कर सकते हैं। एक नॉमिनी हमको कंपलसरी लगता है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, NBCN तो हमारे साथ है ही, साथ में हम बोलेंगे कि एसोसिएशन में हमारे साथ इस बार नाइल प्रॉपर्टीज़, नाइल ग्रुप साथ में जुड़ा हुआ है, और कविता सिंघानिया जी जिनका ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी अच्छा वर्क है, तो वो भी सिंघानिया ड्राई फ्रूट्स साथ में जुड़े, और आगे भी जितने लोग जुड़ते चले जाएंगे हम सब मिलकर आगाज़ करेंगे। आपको 20 फरवरी के पहले सारे नॉमिनेशन हमारे पास विथ फाइल, यदि आप हार्ड कॉपी भेज सकते हैं तो आप फॉर्म की प्रिंट निकाल के आप हार्ड कॉपी भिजवाइए, नहीं भेज सकते तो आप PDF फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हैं, और आप मेल पे भी हमको डाटा भेज सकते हैं। तो ज़रूर आप नॉमिनेट अपने आप को करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। इस प्रोग्राम में सभी गेस्ट आपका बहुत मतलब अच्छे तरीके से हम आपको फैलिटेट करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि आपका फेलिसिटेशन आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस अवार्ड फंक्शन में कम्युनिटी अवार्ड किसी संस्था या संगठन के लिए, वही इंडिविजुअल आइकॉन ऑफ विदर्भा अवार्ड जिसमें स्पोर्ट, सोशल, पब्लिक हेल्थ, ब्रेवरी, लाइफटाइम स्क्रीन समेत अन्य कैटेगरी में महिलाओं को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसके नामांकन की अंतिम तारीख 28 फरवरी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।